हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज जो है हम गाइड पिलर गाइड बुक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें आपको बना के दिखाऊंगा। और दूसरी चीज, इसमें जो गाइड पिलर आएंगे, हम तीन टाइप के गाइड पिलर आती है, स्टैंडर्ड टाइप, स्पीकोडेड टाइप और आपके लीडर टाइप, तीनों के बारे में हम बनाएंगे, इसको बना के भी दिखेंगे। और इसमें हम डिटेलिंग करेंगे कि कितना डायमेंशन होना चाहिए, कितना कॉलर होना चाहिए, क्या डिफरेंस होना चाहिए, कितने के आपके स्टैंपर होती है, कितने फिलेट लगती है। तो हम जो है सारा चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़, मान लो कहीं पे अगर गाइड पिलर की आपकी साइज कम हो गई, तो इसकी वजह से जो प्लेट की साइड में जो थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, जो थ्रस्ट जनरेट होता है, उस थ्रस्ट को कैसे कैलकुलेट करोगे, उसको हम दिखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और दूसरी चीज़, मैं सारा आपको कैलकुलेशन से कराऊंगा सारा। जैसे आपकी सर्कुलर कोड होती है, उसके लिए अलग होता है, जो रेक्टेंगुलर कोड होती है, उसके लिए आपको अलग थ्रस्ट होती है। तो हम सारा चीज़ जो डिस्कस करने वाले हैं और मैं इसको आपको बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो है, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, ये होता कि एक्चुअल में जो गाइड पिलर गाइड बुक होता क्या है। तो आप देखते हो किसी मोल को जो है हम गाइड पिलर गाइड बुक बनाते हैं, तो बेसिकली ये जो है मेरा गाइड पिलर है, मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये जो है मेरा गाइड पिलर है। तो इस तरीके से हम गाइड पिलर बनाते हैं। ठीक है, मैं इसको शेयर कर दूंगा डायमेंशन, और जो बाकी ये देख पा रहा हूँ, ये मेरा गाइड बुक होगी। ठीक है, ये मेरा गाइड बुक होगी। तो इस तरीके से हम गाइड पिलर गाइड बुक वगैरह बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे आते हैं, मैं लीडर टाइप में आता हूँ। तो लीडर टाइप जो गाइड पिलर होता है क्या होता है, तो इस टाइप में आपके लीडर पिन में आती है, इसको हम बोलते हैं लीडर पिन गाइड पिलर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो सबसे सिंपल होती है, सबसे आप सिंपल देखोगे, इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम गाइड पिलर। और जो इसके साथ जो आएंगे आपकी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीडर पिन गाइड पिलर बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे में। ठीक है, अब जो दूसरी चीज है हम लोग की, इसको हम बोलेंगे स्पीकोटेड टाइप गाइड पिलर। तो स्पीकोटेड में क्या होती है, देखो स्पीकोटेड जो होती है थोड़ा सा ना, ये आप देख सकते हो इस टाइप में आती है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पीकोटेड टाइप। तो ये मेरा गाइड बुश होगी, ये मेरा गाइड पिलर होगी। तो आप देख लो किस तरीके से ये बनती है, हम इसको मैं दिखाऊंगा, कैलकुलेशन में आएंगे हम। तो इस टाइप में बनती है, और इसको तो हम कॉलर बोलते हैं। तो दोस्तों, मैक्सिमम जो केस में होता है ना, तो हम लोग स्टैंडर्ड टाइप यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइप में देखो किस टाइप में होता है। तो ये जो है बेसिकली स्टैंडर्ड टाइप हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप स्लॉट भी काट सकते हो, 1:1 का स्लॉट भी काटता है। ठीक है, वो भी आप काट सकते हो, क्योंकि प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग वगैरह भी हो। ठीक है, तो इस टाइप में जो होती है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइप गाइड पिलर एंड गाइड बुश। तो ये मेरा गाइड बुश होगी, ये मेरा गाइड पिलर होगी। तो ज्यादातर मैं ये यूज करता हूँ अपनी कंपनी वगैरह में। तो यहाँ पे भी वही 15 डिग्री का लगती है आपकी, 10 mm का लगता है, और आगे जो है फिलेट लगती है। यहाँ पे जो मेरा आगे जो मैं फिलेट लगाऊंगा, इसमें 1.5 का मैं फिलेट लगा देता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड टाइप का बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है 2 फिलेट लग जाती है। तो इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पे एक स्लॉट भी होती है, तो आप बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी कैलकुलेशन पे। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन में सबसे पहले जो है इसका मैं स्टैंडर्ड टाइप का मैं आपको बताऊंगा। तो स्टैंडर्ड टाइप में आप देख लो, जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है वो डायरेक्ट यहाँ पे वीडियो में स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो ये मेरा होगी गाइड पिलर की कैलकुलेशन। तो यहाँ पे देख पा रहे हो 15 डिग्री का जो है चैम्फर होता है, 10 डिग्री का यहाँ पे डिस्टेंस होती है ना, और जो इसके आगे जो फिलेट लगती है 1.5 का फिलेट लगती है, और जो इसमें स्लॉट काटते हैं ऑयलिंग वगैरह के लिए, तो इसमें हम क्या करते हैं 1:1 का यूसी का हम स्लॉट काटते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चीज होता है, ये यूसी का ऑयलिंग पता है, जिसको पता है वो मेरे कमेंट पे कर दे, नहीं पता होगा तो मैं कमेंट पे डाल लूंगा। ठीक है, यूसी क्या होता है, जो एनएक्स में ग्रुप वगैरह काटते हैं उसको पता होगा ये। नेक्स्ट चीज जो है यहाँ पे, जहाँ पे मेरा ये गाइड पिलर आएंगे वहां पे क्या लगती है, ब्लेंड लगती है। ठीक है ना, फिलेट लगती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है, पता है आपको। और जो मेरा डी होता है, अगर मैं डी ले रहा हूँ 10 mm का, होंगे तो मान लो मैं डी में 20 mm का ले लिया, तो 20 लूंगा, और जो मेरा जो ये बनेंगे तो मेरा डी प्लस 28 का बनेंगे। तो हम इस केस में ऑफसेट जो मारेंगे 4 mm का ऑफसेट मारेंगे, और जो सबसे बड़ा कॉलर होता है वो इसमें 16 mm का आता है, तो 8 mm का ऑफसेट मारोगे। तो ये किस होते हैं, और जो इसकी डिस्टेंस होता है 6 mm की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्टैंडर्ड गाइड पिलर की आप कैलकुलेशन देख के बना सकते हो कभी भी। नेक्स्ट आते हैं हम गाइड बुश पे। अब देख पा रहे हो यहाँ पे गाइड बुश में, तो गाइड बुश में क्या आती है, सेम ही होता है इसमें, बस आगे इसमें थोड़ा सा चैम्फर रखती है। ठीक है, और बाकी डी आपका 8 mm भी ज्यादा एक्सटेंड होगा इसमें। ठीक है, और जो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रुप करती है ना, डी प्लस 1 लेते हैं हम। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसकी कैलकुलेशन पे। ठीक है, तो देखो हम जो गाइड पिलर बनाते हैं ना, ठीक है, उसका हम डिपेंड करते हैं आप कौन सी कोर बना रहे हो, सर्कुलर कोर है या आपका रेक्टेंगुलर कोर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी गाइड पिलर। तो बेसिकली जो गाइड पिलर का डायमीटर है ना, वो डिपेंड करते हैं मोल की साइज के ऊपर। ठीक है, कितने मोल बना रहे हो, और अगर आपकी मोल की जो क्रॉस सेक्शन है थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना,
तो वहां पे क्या होगा आपका थ्रस्ट जो है, अगर आप मान लो डीप क्रॉस सेक्शन में है तो वहां पे आपकी गाइड पिलर को थोड़ा ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो उसमें क्या होगा थ्रस्ट जो होगा साइड में प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब हम थ्रस्ट क्या होते हैं बताते हैं। थ्रस्ट एक फोर्स होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपके पास सर्कुलर कोर है, ठीक है, आप सर्कुलर कोर यूज करते हो तो ये इसके लिए ये फॉर्मूला आ जाता है। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है, मैं इसको ऐसा कर दे रहा हूँ। तो ये वाला फॉर्मूला लगता है आपका, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में क्या होता है बेसिकली, ये वाला फॉर्मूला क्यू जो होगा हम लोग को थ्रस्ट समझाते हैं क्यू से, ठीक है। डी हो गई मेरा मैक्सिमम डायमीटर, जो डायमीटर होगा ना मेरा, डी जो होगा मेरा डायमीटर, जो मेरा सर्कुलर कोर लिया हुआ ना उसकी डायमीटर। एच से मेरा हाइट होगा, कोर का कितना हाइट है। और पी जो होगा ना मेरा कैविटी प्रेशर होगा, जो आप क्लैंपिंग करते हो ना, क्लैंपिंग फोर्स जो होती है ना उसमें आप कितना कैविटी प्रेशर लगाते हो, वो आपकी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। और हमेशा याद रखना ये जो आप लगाओगे इसमें सेंटीमीटर में लगा, सेंटीमीटर पे, ठीक है। अगर आप सर्कुलर मोल बना रखा हो, ठीक है, उसमें जो है सर्कुलर मोल पे, अब रेक्टेंगुलर मोल की बात नहीं कर रहा, मैं सर्कुलर मोल की बात कर रहा हूँ, उस केस में जो आपकी पिलर रहेंगे वो हमेशा 120 डिग्री एंगल पे रहेंगे, ठीक है ना। तो जो आपके सेंटर होगा उससे 120 डिग्री 120 डिग्री एंगल पे होंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं, अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर कोर आ गई, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोर आ गई, उसमें हम थ्रस्ट कैसे होंगे, ए इंटू एच इंटू पी। ए क्या होगी मेरा एरिया, ठीक है ना, एरिया हो जाएगी मैक्सिमम साइड ऑफ द कोर सेंटीमीटर पे हो जाएगी, और हाइट एच हाइट होगा, और पी आपका प्रेशर है बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है थ्रस्ट वगैरह उसकी बनाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो में कुछ नया मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। और दोस्तों जिसको भी इस तरीके से कैलकुलेशन से ट्रेनिंग लेना है वो मेरे से जुड़ सकते हैं। तो मैं इस तरीके से ट्रेनिंग देता हूँ कि हर तरीके से आपको कैलकुलेशन वगैरह मिल जाएंगे। और जिसको भी मेंबरशिप चाहिए, जिसको भी फाइल वगैरह भी चाहिए, वो मेरे से मेंबरशिप अप्लाई कर सकते हैं, मेंबरशिप के लिए आप जुड़ सकते हो। तो व्हाट्सएप असिस्टेंट वगैरह भी मिल जाएंगे उसमें। तो इतना ही था बेसिकली, जिसको अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट हो इसमें अगर कोई असिस्टेंट चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, तब तक जय हिंद।